दोस्तों कैसे हैं? आज यस बैंक में वापस अपडेट लेके आया हूँ। यस बैंक में आज अच्छी खासी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आज अच्छी खासी इसको 5.6% 5.83% का गेन देखने को मिला और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये आज वापस ट्रेडिंग कर रहा है और 12 करोड़ शेयर के साथ लगभग 10 लाख 10 लाख करोड़ 12 करोड़ वॉल्यूम के साथ आज वापस बाइंग इसमें यस बैंक में आपको देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि अगर ये इस लेवल को 165 एवं मेंटेन करता है और अगर एक बार इसके वेटेड वॉल्यूम को भी देख लेंगे तो आप देखेंगे बराबर यहाँ पे, आप देखिए अब यहाँ पे 168 से ज़्यादा जो वेटेड एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा प्राइस पे ये अभी अब दिखा रहा है। ये पॉजिटिव सिग्नल है, अब यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल भी जनरेट हो चुका है। और अगर ये 165 के चैनल को मेंटेन करता है तो 165 के स्टॉप लॉस से जो इसने बनाया है तो 165 स्टॉप ज़्यादा इसमें दूर अपने स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए और टिगर भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कॉल पुट में, जैसा कि कॉल ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि आप 180 या 200 का कॉल पे आप बाई करके पोजीशन अपनी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप उस पे बने रह सकते हैं और इसमें अच्छा खासा गेन आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। इसका कारण कुछ नहीं था, एक न्यूज वापस आज क्लैरिफाई किया और इनके जो हेड थे, सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आज आकर के टीवी न्यूज मीडिया पे आकर के क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका जो जो भी उनकी था कंपनी था उससे कोई लेना देना नहीं है। हैव ये यस बैंक क्लाइम 7% आफ्टर मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन ऑन ओनरशिप इन मॉर्गन क्रेडिट्स। मॉर्गन क्रेडिट्स का जो ओनरशिप था उसको लेकर के जो था क्लैरिफिकेशन, उनकी बेटियों ने को मिलके एक प्रमोटर ग्रुप बनाया है, उन्होंने कहीं वहाँ से डेप्ट लिया है और डेप्ट क्या, डेप्ट से फंड लेकर के वहाँ पर रेज किया है, तो उसको क्लैरिफाई किया है। और इसमें एक अच्छा चीज़ जो बताया कि टोटल ओवरऑल पोजीशन आप देखेंगे, आप ये न्यूज को जाकर के पढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। खाली आप टोटल प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन बैंक स्टैंड 19.9% लेटेस्ट डाटा अवेलेबल इन एक्सचेंज, विच टोटल इनका प्रमोटर का 19.91% है, उसमें से राणा कपूर 4.33% है, मधु कपूर जो है 7.59% है और यस कैपिटल मॉर्गन क्रेडिट मेगा जो इनकी बेटियों के का है उनके मिला करके जो टोटल है वो होल्डिंग है 7.99% है। तो इससे बहुत कुछ लेने को जा 19% से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट होने को है नहीं यस कैपिटल को, यस बैंक को। दूसरा उन्होंने और एक चीज़ क्लैरिफिकेशन किया है कि मोंगा सेट जो उनके प्रेसिडेंट है, सीनियर प्रेसिडेंट है उन मोंगा जी, उन्होंने और एक चीज़ क्लैरिफाई किया है, रजत मोंगा जी उन्होंने सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट एट यस बैंक, और उन्होंने एक चीज़ अच्छी चीज़ क्या क्या क्लैरिफाई की जिसके चलते आज शेयर में आपने 7% का बूम देखा। ओवरऑल बैंक एक्सपोजर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो हाउसिंग फाइनेंस आज देख रहे हैं, आज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो अच्छी खासी गिरावट को देखना IL/FS के चलते गिरने को देख रही है, उसमें सिर्फ 3.2% ही एक्सपोजर है। और दूसरे वी हैव एक्सपोजर टू डेवलप एट 5.6% विथ नो SMA 2 लॉन्स, तो 5.6% से ग्रोथ उनका एक्सपोजर जो है, डेवलप का एक्सपोजर भी अच्छा खासा है। तो एक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में जो है उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, 3.2% ही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। और आप देखें एक एक तो हो गया टोटल 19% ही है, उसमें से जो जो सबसे बड़ा यस कैपिटल और मोंगा कैपिटल का जो था होल्डिंग था वो सिर्फ 7.99% ही है। दूसरा उन्होंने ये भी पता क्लैरिफिकेशन दे दिया कि यस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी मीटिंग ऑन दिसंबर 13 टू रिकमेंड नेम्स फॉर न्यू चेयरमैन टू बी अप्रूव्ड बाई द RBI एज वेल एज कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये सब चीज़ लेकर के अब जो इसमें एक पॉजिटिवनेस आई है, अब जाकर के पूरा न्यूज जाकर के उसको ये पढ़ सकते हैं, कोई वहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जो अच्छा चीज़ लगा वो आपको बता देता हूँ। तो आप देखेंगे ये जब 160 पे आज प्रीवियस क्लोज हुआ था, ओपन ही हुआ गैप अप 164 का और वापस आज 160 एक बार दिखाया और 171 का हाई बनाया, और अब देखिए जहाँ हाई बना रहा उसी के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, एक अच्छी चीज है। अब हाई की ओर क्लोजिंग दे रहा है और 165 से अपर है, अप है, तो 165 से जब तक ये अप रहेगा मेरे लिए पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। और मुझे इसलिए भी एक अच्छा सेंटीमेंट, बाइंग सेंटीमेंट सेंटीमेंट है, और एक ब्लॉक डील भी हुआ है इसमें आज 4,57,853 170 पे एक ब्लॉक डील हुआ है इसमें, वो भी एक अच्छी चीज है। और ये सब तो आप टारगेट वगैरह देखे हुए हैं, सब चीज देखे हुए, प्रमोटर जो भी है इसमें, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये देखिए शेयर होल्डर जो टोटल प्रमोटर जो होल्डिंग है 19.91% है और 19.91% का बाइफर्केशन भी दे दिया गया आपको,
7% है मधु कपूर के पास, 19.91 में आपको यहाँ पे बाइफर्केशन दे दिया गया कि टोटल जो है इसमें 4.33% है राणा कपूर के पास, 7.59 मधु कपूर के पास, और ये इनकी बेटियों के द्वारा जो एक नई प्रमोटर ग्रुप बनाई गई थी उसके पास सिर्फ 7.19%। तो 19% से बहुत ज़्यादा कुछ बैंक को इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब मुझे कहाँ से अच्छा लगा ये बताता हूँ। मुझे डेरिवेटिव में देखेंगे तो 15.51% का आज 12 करोड़ में देखेंगे, एक करोड़ 85 लाख, तो 2 करोड़ का डिलीवरी ले रहा है, 15% के आसपास की डिलीवरी हो रही है। और अब पी रेशियो इसका 8.26 आ गया, बहुत ही अच्छा हो गया पी रेशियो। तो मेरे अंदाज से लॉन्ग टर्म के लिए तो ये 100% बाइंग है, लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए इसको जरूर से जरूर बाई करें। अब बाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ खोने को नहीं है इसमें भी, लॉन्ग टर्म से आप बाई कर सकते हैं ऐसा दिखता है, क्योंकि उसका वेटेड एवरेज आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो यहाँ से बढ़ते हुए दिख रहा है अपने को, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी ये अपसाइड दिखा रहा है यहाँ पे जो आपको दिखाया। और अब जब ये देखिए बढ़ते हुए दिखाया था, अब जब मैं इसको यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव पे भी जाकर देख रहा हूँ तो आज क्या हुआ, पुट साइड है ये कॉल साइड है। अभी देखिए पुट साइड सारा लॉस हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, और यहाँ देखिए बाइंग चल रही है कॉल साइड में। और अगर किसी ने, जैसा मैंने बताया था, अगर किसी ने भी इसको 200 के कॉल को लिया होगा, अगर लिया आज किसी ने भी बाई किया होगा 200 के कॉल को बाई किया होगा, तो देखेंगे ये अपने लो जो बनाया था 580 का लो बनाया था, और जो हाई बनाया था 760 का हाई बनाया था। तो आज अच्छा खासा इसी में आपने अच्छी खासी पोजीशन बनाई होगी, अच्छा खासा डिलीवरी बनाया होगा। चलिए अगर नहीं भी बनाया तो अभी भी कुछ गया नहीं है, लोगों जैसा लगे, लेकिन यस बैंक में पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और 180 का कॉल जो मिल रहा है आपको 13.20 रुपये में मिल रहा है, तो इसको एक बाइंग पोजिशन पर रख सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए। 180 के कॉल को 13.20 में आप अभी एक बार के लिए ले सकते हैं। और अगर 200 का कॉल है आपके पास तो 6.75 पे है, तो आप दो इसको भी देख सकते हैं। ये दो पोजीशन में आपको जो लगे उसको लेके पोजीशन बना करके एक बार 13 तारीख को इसके यस बैंक का डायरेक्टर का सीईओ का एमडी का जो अनाउंसमेंट होगा उस चेयरमैन का, उसके बाद ये अच्छा खासा आपको यहाँ से पिकअप देगा। और चूंकि ये 170 के रेंज में है तो मुझे अब अच्छा दिखता है, ये 165 के रेंज से ही ये फॉल किया था जो कि क्रूशियल लेवल था, वहीं पे अपने को डर लग रहा था। और आज इसने रिकवरी ले ली जब वो मैसेज आने के बाद, तो वो भी अपने लिए प्लस पॉइंट है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रोथ अपने को लगता है कि यहाँ से अपने को मिलेगा देखने को। तो अब इसमें ये आप इसमें देखिएगा क्यों इसका एक कारण आपका सपोर्ट कहाँ पर बन के आ गया। अब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट बन के आ रहा है ना, अब इसका देखेंगे तो 160 के पास 23 लाख, और आज भी वहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है 170 के पास भी आज 3,67,000 का, तो 170 के आसपास भी सपोर्ट बन के आ रहा है इसका। आज अगर एट द मनी देखें 170, तो 117,85,000 का आप देखेंगे पुट साइड में है ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव, और 30 लाख है इधर आपका यहाँ पे कॉल साइड में, तो डबल से भी ज़्यादा कॉल साइड में है। 180 पे देखिए 85 लाख, आप समझ सकते हैं 85 लाख का कॉल है, तो आपको क्या लग रहा है ये नीचे जाएगा, मुझे तो अब नहीं दिखता है। तो ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 210 पे 65 लाख का है, 220 पे 67 लाख का है, तो लोग अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बना रहे हैं। और जहां पे 1,76,00,000 का आप देखेंगे टोटल पुट साइड में है, वहां 5 करोड़ का आप देखेंगे कॉल साइड में पोजीशन बना हुआ। तो कॉल साइड में आज बहुत ही अच्छी राइटिंग हुई है, 210 पे 24 लाख का एडिशन। ये टोटल एडिशन उतना नहीं होगा इधर जितना एक अकेला 210 पे हुआ, 180 पे 20 लाख का। तो अब यस बैंक में कॉल साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा मुझे दिखता है। और जैसा मैंने आपको बोला था, पहले भी बताया था, अच्छा खासा यहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अगर कोई भी लॉस में होंगे तो उनको यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 165 प्लस में आपको दिख रहा है, और वेटेड एवरेज वॉल्यूम से जो दिख रहा है वो भी अच्छा दिख रहा है। और अगर चार्ट पे भी जाकर के देखें तो अच्छी खासी बाइंग पोजीशन ही यहाँ से प्लस पॉइंट पे दिख रही है। अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख रहा था, अगर आवरली चार्ट पे भी मैं इसको देखूं, तो आप देखिए यहाँ से जो आवरली चार्ट बना है 30 तारीख को, ये अपर साइड में बन रहा है, अपर साइड जाकर के बन रहा है। यहाँ से देखिए कल से ही ये अप बना है, और हर बार एक अपर साइड में जाकर के इसको क्लोज की ओर दे रहा है, अपर में ही रह रहा है। ठीक है, अच्छी पोजीशन है।
और यहाँ पे जहाँ पे बॉटम हैमर बना था उसके बावजूद देखेंगे यहाँ पे बॉटम हैमर के बाद बहुत ज़्यादा नहीं खोने को गया, वापस ये अप ले लिया और वापस यहाँ इंडिसिसिव यहाँ पे हैमर बना पोजीशन, वहाँ पे फुल बॉडी कवर हुआ और थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में शॉटिंग के लिए दिखाया, आपको लास्ट में दिखाया, तो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में बनते हुए दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ऐसा कोई फिर से कोई न्यूज़ नहीं आ जाए या कल नीचे कोई बैड न्यूज़ नहीं आए तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा आपको भारत के पहले पोजीशन दिखा सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा सकता है। तो 180 का कॉल, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 180 का कॉल 13.20 रुपये में मिल रहा है, तो एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे आप बना सकते हैं। और आज कोई इसने जब ये नीचे के साइड में लिया होगा, अगर किसी ने बाई किया होगा तो इसका लो जो गया हुआ था, लो गया हुआ था इसका 11 रुपये, तो 11 रुपये के आसपास अगर किसी ने बाई किया होगा, जो अगर मैंने आप प्रीवियस वीडियो देखिए तो 180 का 11 रुपये के पास मैंने बताया था, तो अगर किसी ने भी लिया हुआ, नहीं लिया तो 13.20 रुपये मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 1750 का लॉट है ये, तो आप इस पर जा करके आज हाई 1425 का बनाया है, तो आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने बनाया है, अगर कोई भी पोजिशन बनानी हो तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूर से ज़रूर बात कर लें, ले लें। और अब यहाँ पर देखेंगे मुझे जो लग रहा है 150 का जो अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, 160 का भी सपोर्ट बना हुआ है, तो 150 के सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, बहुत ही अच्छा है। और अब तो मुझे लगता है 160 का सपोर्ट भी नहीं तोड़ेगा, 329,000 का अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 150-160 का सपोर्ट में अच्छी खासी आज पुट साइड में एडिशन हुआ, सपोर्ट मिला है। और ऊपर की ओर देखें तो हर लेवल पर बाइंग हो रही है, 210-220 सब जगह बाइंग कर रहे हैं लोग अच्छे खासे, और वो भी 66 लाख 70 लाख 80 लाख ऐसे करके अगर बाइंग है तो ये पॉजिटिव सिग्नल तो दिखाता है यस बैंक पे। रेस्ट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।